जिला बिलासपुर के स्वारघाट में सांसद अनुराग ठाकुर ने जहां पर श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कामगारों को उपकरण बांटे, वहीं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन भी वितरित किए। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद अनुराग ठाकुर का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। उनके साथ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, वहीं सांसद अनुराग ठाकुर का स्थानीय पंचायत के द्वारा सम्मान भी किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने जहां पर अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की पिछली धूमल सरकार के कार्य मजदूर हितैषी रहे हैं, वहीं मजदूर और गरीबों के लिए पिछली धूमल सरकार ने कई घोषणाएं की थी और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए थे, जिसका लाभ मजदूरों को मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जयराम ठाकुर सरकार भी मजदूरों की हितैषी है और स्वयं भी मजदूरों के हित के लिए हमेशा संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, उससे जहां पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, वहीं लकड़ी जलाने से भी छुटकारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छ वातावरण भी उत्पन्न होगा। तो हम करने जा रहे हैं, उसके अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये जो श्रम कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये उस मजदूर के सम्मान में कार्यक्रम है जो इस देश के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मेरी वो बहनें जो अपने गांव में रहकर भी वो काम करती हैं जिससे उस क्षेत्र का विकास होता है, आपको दिहाड़ी लगाकर जहां एक और अपने परिवार को पालने के लिए कुछ सुविधाएं मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर आपका राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यही सोच उस समय प्रेम कुमार धूमल जी की थी कि आपको सम्मानित किया जाए और आपको वो सम्मान देने का प्रयास किया जाए जो शायद आप अपने बजट के पैसों से ना खरीद पाती या आपकी प्राथमिकताएं कुछ और होती, लेकिन सरकार की ओर से आपको लाभ मिले। ये योजना हमने उस समय शुरू की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाजपा की नीतियों को घर द्वार तक पहुंचाए। राजनीति होती है, परंतु अगर हम इतिहास में जाएं, तो किसने इस बात की चिंता की, किसने इस बोर्ड का गठन किया, उस इतिहास में जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की